अंबिकापुर शहर के नमना कला हाउसिंग बोर्ड से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा था। अंबिकापुर की अनोखी सोच संस्था के द्वारा विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया गया। दरअसल अंबिकापुर नमना कला हाउसिंग बोर्ड में अहिरवार परिवार रहता है। जितेंद्र अहिरवार अपनी 25 वर्षीय बहन के साथ घर में रह रहा था और उसका एक भाई दूसरे राज्य में काम करने चला गया है। वहीं बीते दिन जितेंद्र अहिरवार की बहन का बीमारी की वजह से देहांत हो गया है, लेकिन जितेंद्र और उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं था और जितेंद्र की कमाई भी उतनी नहीं थी कि अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर सके। इसकी सूचना गांधीनगर पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अनोखी सोच संस्था को इसकी जानकारी दी। फिर क्या था, मृतक परिवार के लिए दूत बनकर आए अनोखी सोच संस्था के पदाधिकारी व सदस्यों ने मृतका का अंतिम संस्कार विधि विधान से अंबिकापुर के गंगापुर मुक्तिधाम में किया गया। वहीं संस्था के द्वारा अंबिकापुर शहर में ऐसे कई जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद आए दिन करते हैं। मेरा नाम जितेन अहरवाल है और ये हमारी छोटी बहन है गुड़िया सुरभि अहरवाल। इसका तबियत पेट से संबंधित बीमारी था, उसके कारण इनका देहांत हो गया। अच्छा, तो किस तरह? वजह यही था कि भैया मेरे पास पैसा उससे कुछ नहीं था, इसी वजह के कारण मेरे को अंतिम संस्कार करने में दिक्कत जा रहा था। फिर आप लोग के सहयोग से अंतिम संस्कार हो पाया। देखिए, हमारी संस्था अनोखी सोच को कहीं से फोन आता है कि इसका कोई नहीं है और इस अंतिम संस्कार करना है, तो हमारी संस्था तत्पर होके और जाके अंतिम संस्कार करती है। इसी कड़ी में आज भी एक फ़ोन आया जो कि गंगापुर हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली युवती थी 25 साल की, सुरभि अहिरवार। तो इस फ़ोन आया कि ऐसा वहाँ पे है और कल से इनकी डेथ हुई थी और दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था। हमारे पास फ़ोन आया तो हम लोगों ने जाकर इसे लेकर आके और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार यहाँ पे ये कर रहे हैं। ऐसे हम लोग को याद भी नहीं है, बहुत सारे हम लोगों ने दाह संस्कार किए हैं। ऐसे परिवार के लोग इतने निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे इसका एक भाई है जो जबलपुर में रहता है, वो शायद बोला कि ट्रेन नहीं चल रही इसलिए नहीं आ पाऊँगा। इससे पहले एक हम लोगों ने किया था दाह संस्कार, उसके भी एक भाई जो मायापुर में रहते थे, उन लोगों ने उनको फ़ोन किया गया कि आ जाओ, ऐसा ऐसा बात है। जब हॉस्पिटल से हम लोग लाश ले जा रहे थे उस समय, तो वो बोला मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे ऐसे मानवता मर चुकी है आज की डेट पर, जो रिश्तेदार अपने जो खास रिश्तेदार होते हैं वो लोग भी इस पर आगे नहीं आना चाहते। लेकिन हम बोलते हैं लोगों को कि जिसका कोई नहीं है उसका अनोखी सोच है। क्या लगता है? हाँ, हमको जहाँ से भी खबर आती थी हॉस्पिटल या जिसके घर वाले, उस समय लाशों को छूते नहीं थे कोरोना के डर से। उस समय हम लोगों ने खुद लाशों को अंतिम संस्कार किया, खुद पीपी किट पहनकर, और जितना बन सका हम लोगों ने उस समय 52 लाशों को हम लोगों ने चलाया था।